हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइंड आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह है, द फिगर इज मेड अप ऑफ अ सर्कल एंड अ क्वाड्रेंट, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज। मतलब ये है कि यह एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम लोगों को इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, जो रेड कलर से शेडेड किया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिगर में शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा, और उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा। और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो डायमीटर होता है सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ही कहा गया है 22/7 लेना है, तो हाफ इंटू 22/7 इंटू, और रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 49, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 77। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हो गया 77, मतलब इस रीजन का एरिया, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अब इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो इस सर्कल का जो डायमीटर है वही इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस यहाँ सर्कल का 7 सेंटीमीटर था, तो डायमीटर हो जाएगा इसका सर्कल का 14 सेंटीमीटर, और जो सर्कल का डायमीटर है वही इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के एरिया का 1/4 होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 196, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए कि इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस सेमी सर्कल का एरिया पहले ही हम लोग फाइंड कर चुके हैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।